यस, वी आर लाइव नाउ. देख लेते हैं कितने बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं. क्या बच्चों के पास नोटिफिकेशन गई है? ओके, नोटिफिकेशन जा चुकी है बच्चों के पास, मैंने देख लिया. यस, वी आर लाइव नाउ. वेलकम टू योर ओन चैनल डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. जी हाँ, डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्वागत है. जैसा कि आप जानते हैं सॉरी, एनसीईआरटी क्लास 8th के चैप्टर 3rd की आज हम बात करेंगे. चैप्टर 3rd को आज हम डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि हम आज का चैप्टर, आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं. और ये बेसिकली पार्ट 2 वालों के लिए, जी हाँ, पार्ट 2 वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है ये आपका. अगर हम कहें तो ये आपके जो सीटैट एग्जाम फर्स्ट है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है. जी हाँ, तो सीटैट फर्स्ट वाले भी ध्यान दें, सीटैट 2 वाले भी ध्यान दें कि आपको ये जो साइंस है, साइंस का पार्ट करना होगा. तो मैं देख पा रही हूँ कि काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं, काफी बच्चे एक्टिव हो चुके हैं और धीरे धीरे करके भी और बच्चे जुड़ते रहेंगे. जी हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा. हमने एनसीईआरटी कर ली थी और उस एनसीईआरटी में हम क्लास 6 और क्लास 7 कर चुके हैं. हम उसमें बात कर रहे हैं क्लास 8 की. क्लास 8 की अगर मैं देखूं तो क्लास 8 में मैं चैप्टर 1 आपको करा चुकी हूँ, चैप्टर 1 करा चुकी हूँ, चैप्टर 2 करा चुकी हूँ. आज हम चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं. तो आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि जो चैप्टर 3 है उसके लिए सब रेडी हैं. तो जल्दी से जल्दी चैप्टर 3 जो रेडी है, तो आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं. ठीक है, आ जाइए, पहले हम बात कर लेंगे. मैं देख पा रही हूँ, हाँ, क्विकली कंप्लीट करा दीजिए सिलेबस. बिल्कुल बिल्कुल, क्विकली कराएंगे कंप्लीट चिंता ना कीजिए. बट ये उम्मीद रखिए कि मैम की तबीयत ठीक रहे ताकि आपको रोज मैम क्लास ले ले सके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं, पहले हम परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम किस किस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे. ठीक है, तो देखिए, जो धागा है, धागा होता क्या है? तो धागे की अगर हम बात करें तो आप धागा देख सकते हैं. धागा और कुछ नहीं, धागा है आपका स्टैंड है. धागा पतला स्टैंड से बने होते हैं, जो बारी बारी से पतले स्टैंड से बने होते हैं, जिन्हें तंतु कहा जाता है. आप जानते हैं जो धागे होते हैं वो, उनकी भी पूरी प्रक्रिया होती होगी. तो धागे जिससे बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तंतु. ठीक है, तंतु एक प्रकार का धागा है जिसे एक कपड़ा बनाने के लिए बुना जाता है. आप जानते होंगे जैसे कि आप फाइबर देखते आए हैं, जो फाइबर होता है क्या है, जो फाइबर होता है वो दो तरीके का होता है. पहला होता है नेचुरल, जिसे आप तंतु कहते हैं हिंदी में. ठीक है, तो एक प्राकृतिक तंतु होता है और एक संश्लिष्ट तंतु होता है. कहने का मतलब क्या है, एक नेचुरल फाइबर होता है तो दूसरा होता है संश्लिष्ट, मीन्स सिंथेटिक फाइबर. जो नेचुरल होता है वो आपको आपके नेचर मतलब प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, जबकि जो सिंथेटिक होता है वो आपके फैक्ट्रीज में बनता है, मतलब वो आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. तो देखिए, जो फाइबर है, जब वो जो धागा है, जो तंतु है, जब सॉरी, जब वो बनता होगा तो वो कैसे बनता होगा, सोचिए. वो एक रुए से, उनके एक रेशे लिए जाते हैं और उन रेशों से तंतु बनाए जाते हैं, और फिर तंतु बनाने के बाद आप फैब्रिक तैयार करते हो जो आप कपड़े पहनते हो, जैसे कि वुलन हो गया, जैसे कि आप कॉटन ले लीजिए, सिंथेटिक ले लीजिए, नायलॉन, रायलॉन और बहुत सारे होते हैं. तो उन चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर में. ठीक है जी, कमेंट्स ले लूं एक दो. पिक्चर कह रहे हैं नॉट क्लियर. पिक्चर तो क्लियर होनी चाहिए भाई, पिक्चर क्लियर नहीं है ये तो बात गलत है. पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है, मैं देख पा रही हूं. ठीक है, तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई पॉलीमर क्या है, क्या है पॉलीमर, क्या है. तो पॉलीमर की अगर हम बात करें, पॉलीमर आप देख सकते हैं यहां पे. हम्म,
तो पॉलीमर होता क्या है? पॉलीमर शब्द दो ग्रीक शब्द पॉली से लिया गया है, जिसका अर्थ है कई, और पॉलीमर मीन्स पॉलीमर जो ग्रीक शब्द है, अरेबिक शब्द है, जिसका मतलब क्या है कि आपको जो भी आपका फैब्रिक बनेगा वो कॉम्बिनेशन से बनेगा, वो कई चीजों से इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ आ गई? क्या क्या कहा मैंने? जो पॉलीमर होगा वो ऐसा फैब्रिक है जो कई चीजों से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं अगर कॉटन की बात करूं, क्या क्या कहा मैंने, अगर मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन भी क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। क्या है? नेचुरल, क्योंकि वो हमें प्राकृतिक मिलता है, वो हमें प्रकृति से मिलता है, ठीक है। हाँ जी, कीप लर्निंग कह रहे हैं मैम, हम यहाँ पे न्यू है। वेरी गुड भाई, न्यू है तो न्यू बन के ही अपनी स्टडी कर ले। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। ये मतलब क्या है? जब आप यूनिट्स को, जब आप इकाइयों को रिपीट करते हो, दोबारा दोबारा दोहराते हो, उससे आपका क्या बनता है? पॉलीमर बनता है, ठीक है। अगर मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर नोन एज सेलुलोज। इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेलुलोज, विच इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। ये ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल, अगर हम नेचुरल पॉलीमर्स की और एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या है? सिल्क आप देख पा रहे हो, वूल आप देख पा रहे हो, सेलुलोज आप देख पा रहे हो, डीएनए आप देख पा रहे हो, और प्रोटीन्स। इन सब से मिलके ही आपका क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। जैसे कि आप जानते हैं, सिल्क की साड़ियां बन गई, अरे प्लास्टिक की बॉटल्स बन गई, ठीक है। तो नेचुरल होगा जो आपको प्रकृति से मिलेगा, वही सिंथेटिक होगा जो आपको फैक्ट्रीज में बनेगा। अब सिंथेटिक पॉलीमर की अगर बात करें तो इसमें क्या है? नायलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलिस्टर है, और पॉलीथिलाइनिन है, ठीक है, क्लियर है। मैम पीडीएफ मिल सकती है? बिल्कुल भाई, पीडीएफ तो मिलेगी, पीडीएफ तो मिलनी जरूरी है, पीडीएफ मिलेगी तभी तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलीथीन है। क्या समझ आया हमें इससे? कि जो आपके पॉलीमर है वो एक से ज्यादा यूनिट्स है, और उसमें हमारे दो तरीके के पॉलीमर हमने पढ़ लिए। पहला क्या था बेटा? नेचुरल पॉलीमर। क्या था? नेचुरल पॉलीमर। और दूसरा क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर, याद रखेंगे, ठीक है। मींस पहला क्या है? प्राकृतिक, और दूसरा क्या है? संश्लिष्ट। चलेंगे आगे, ठीक है, चलेंगे आगे, आ जाओ। देखिए, तो हम पहले बात करते हैं नेचुरल तंतु, मतलब प्राकृतिक तंतु क्या है, फिर हम बात करेंगे आपकी सिंथेटिक तंतुओं में। पहले हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स में, और उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक तंतुओं के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या है, पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाले फाइबर को प्राकृतिक फाइबर कहा जाता है। प्राकृतिक फाइबर कौन से होते हैं? जो पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उन्हें आसानी से धागे और फिलामेंट रस्सी में काटा जाता है, जो बदले में बुना उलझा हुआ और बुना हुआ होता है। देखिए, कॉटन का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल है। कॉटन जो है, उसके आपने कॉटन बॉल्स काट ली, कॉटन बॉल्स को आप निट करोगे, मैटिंग करोगे, और उसके बाद उसका एक फाइबर, उसके बाद उसका एक थ्रेड मिलता है। थ्रेड मिलने के बाद क्या होगा? आप उसको फाइबर में चेंज करोगे, और उसके बाद आप उसको फैब्रिक में चेंज करते हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिए, ऊन है, जो वूल है, आप जानते हो वूल बेसिकली जो आपको शीप से मिलता है, ऊन। जूट है आपको, जूट आप जानते हो। कपास है, कपास मतलब कॉटन। रेशम, सिल्क आप जानते हो, सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। वहीं फ्लैक्स हो गया, हैम्प हो गया, सीशल हो गया, केनफ हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब आपको नेचुरल फाइबर्स हैं। ये आपके प्राकृतिक फाइबर थे, तंतु थे, जो आपको प्लांट से मिलते हैं। जबकि अगर मैं वूल, सिल्क और मोहैर की बात करूं, ये आपको कहां से मिलेंगे बेटा? एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। ये कह रही है मौसमी भारती, कह रही है मैम राइटिंग नॉट क्लियर। अच्छा, थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करें। चलो ठीक है, देखो प्राकृतिक तंतु होते क्या? अरे बहुत सिंपल है यार, क्लास सिक्स में भी करवाया था, क्यों टेंशन लेते हो? क्लास सिक्स में करवाया था कि प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर होते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। अब उन नेचुरल फाइबर्स की अगर मैं बात करूं, तो उन नेचुरल फाइबर्स में क्या क्या बोल रहे हैं प्रीति? यहां पर सबको सब पता है मैम, लग रहा है, पता नहीं भाई।
अच्छा लिख के बता दूं, दिक्कत ना लो भाई, जो भी दिक्कत है ना पूछ लिया करो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, सब लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं ना। तो देखिए, अगर मैं नेचुरल फाइबर की बात करूं तो वो दो में डिवाइड होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट से मिलते हैं वो क्या है, कॉटन है, जूट है, और जो एनिमल से मिलते हैं, जो जो आपके पशु से मिलते हैं वो क्या है, वूल है। वूल आप जानते हैं, शीप से मिलेगा, चाहे वो आप अंगोरा ले लें, चाहे वो आप कोई भी ले लें, ठीक है। जबकि सिल्क है, आप जानते हैं सिल्क वॉर्म से मिलेगा। तो यही बताया भाई, अब तक इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी ये, ठीक है। आ जाओ आगे, अब देखो, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, संश्लिष्ट तंतुओं की। तो मैंने आपको बताया था पीछे, सिंथेटिक फाइबर मींस संश्लिष्ट तंतु, वो तंतु हैं जो कि आपको फैक्ट्रियों में मिलते हैं, जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस, लिख दो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, ऊन, भेड़, बकरी, याक, बिल्कुल ठीक है ललिता, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, संश्लिष्ट तंतुओं की, ठीक है। ये तंतु बेसिकली आपको फैक्ट्रीज में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं जी? फैक्ट्रीज में मिलते हैं, ये वाली बात समझ आ गई। अब जब ये फैक्ट्रीज में मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन डेवलप करेगा, इसको ह्यूमन डेवलप करेंगे, इसको मानव डेवलप करेंगे, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखो आगे, इट इज फॉर्मुलेटेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। देखिए, अलग अलग यूनिट्स को जोड़ के आप पॉलीमर बनाते हो, ठीक है। दे आर एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। देखो ये क्या है, ये होते हैं बेसिकली आपके केमिकल सब्सटेंसेस, मीन्स ये फैक्ट्रीज में बनते हैं और केमिकल्स के द्वारा बनते हैं, ठीक है, रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रायन है आपका, पॉलिस्टर है आपका, नायलॉन है, आर्कलिक है और आपका नायलॉन है। देखो चार एग्जाम्पल है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अगर आपने मेरी सिक्स की वीडियो देखी होगी तो क्लास सिक्स में मैंने आपको बेसिकली ये नेचुरल फाइबर्स के बारे में बता दिया था, ठीक है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, संश्लिष्ट तंतुओं के बारे में, ठीक है जी, जो चार तरह के हैं। पहला क्या है, रायन, दूसरा क्या है, पॉलिस्टर, तीसरा क्या है, नायलॉन, और चौथा हम बात करेंगे आर्कलिक के। बात क्लियर है? आप जल्दी से आराम से पढ़ रहे हैं भाई, क्लियर हो गया होगा? क्लियर, तो चलते हैं आगे। पहले हम बात करते हैं जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनको सॉरी, उनको चार तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, और वो चार तरीके क्या हैं? देखिए, पहला आपका है रायन, दूसरा आपका है नायलॉन, तीसरा आपका है पॉलिस्टर, और चौथा आपका है आर्कलिक, ठीक है जी। जो पॉलिस्टर है फर्दर, वो दो में डिवाइड है, टायरलीन एंड पीईटी, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे, देखो अब हम बात करते हैं रायन की, कि रायन जो है वो क्या है। अब रायन को हमने क्या बताया था, सिंथेटिक फाइबर मींस संश्लिष्ट तंतु। तो जो रायन है वो किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, तो रायन की अगर बात करें तो रायन को लकड़ी के गड्ढे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी इसे रेशम के समान सिंथेटिक या मानव तंतु निर्मित माना जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो रायन है वो नेचुरल रिसोर्स मींस नेचर से बना है, जो वुड की पल्प है, जो लकड़ी का रेशा होता है, जो पल्प है, जो उसके अंदर लिक्विड पार्ट है, उसको सिंथेसाइज करके उसको इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, वहां उस पे काम किया जाता है, और उसी से ही आपका रायन बनता है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो बनी वो क्या है, कि जो रायन है उसको आप, और कुछ नहीं, उसको आप कहोगे आर्टिफिशियल सिल्क। क्या कहोगे रायन को? आर्टिफिशियल सिल्क। वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन, दिस इज इंपॉर्टेंट। रायन को आप कहते हो आर्टिफिशियल सिल्क, याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक
ठीक है जी। तो रायॉन जो है आर्टिफिशियल सिल्क होता है और ये सिल्क से भी ज्यादा चीप है, मतलब सिल्क से सस्ता है। ठीक है, आगे देखें, इसे प्राकृतिक रेशम की तरह आसानी से बुना जा सकता है। ठीक है जी, रायॉन को प्राकृतिक रेशम की तरह आसानी से बुन सकते हैं, मींस इसको आसानी से आप डाई करो, इसको कलर करो, इट इज अपॉन यू, मतलब आसानी से इसको हम कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, यह एक अच्छा नमी शोषक और पहनने के लिए आरामदायक होता है, मींस अगर आप इसे पहनते हो तो आपका जो मॉइस्चर मॉइस्चर है उसको भी ये सोख लेगा, और ये पहनने में बहुत इजी कंफर्ट होता है, मींस बहुत सॉफ्ट होता है, लाइक अ सिल्क। ठीक है, क्लियर है। आज जो आप मार्केट में सिल्क की साड़ी लेने जाते हो, बेसिकली वो सिल्क से नहीं बनती, वो आर्टिफिशियल सिल्क होती है, क्योंकि वो सस्ती होती है, वो चीपर है उससे, तो वो किससे बनी होगी, याद रखिए, रायॉन से बनी होगी। ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीबडी। आगे देखो, इट डज नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रेलिलेंसी ड्यू टू विच दे आर इजिली प्रोन टू रिंकल्स। क्या कहा, इसमें वैमनस्य का गुण नहीं होता जिसके कारण वे आसानी से झुर्रियों का शिकार हो जाते हैं। झुर्रिया मतलब क्या है, रिंकल्स, मतलब जब आप रायॉन को मोड़ोगे तो वो मुड़ जाता है, वो ऐसा नहीं है कि विदाउट आप प्रेस किए उसको पहन सकते हो, जब आप उसे रखोगे मोड़ के तो उसमें क्रशेज आ जाएंगे, उसमें रिंकल्स आ जाएंगे, तो आपको उसको प्रेस करने की नीड होती है। ठीक है जी, रायॉन की बात ये है। ठीक है, आगे चलेंगे, अब हम बात करते हैं नायलॉन की, कि नायलॉन है तो नायलॉन क्या है, तो नायलॉन पे चलते हैं। दिस इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट एंटायरली सिंथेटिक फाइबर, इसे कहा, जो नायलॉन है उसको पहला सिंथेटिक फाइबर, मीन्स ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है। अगर सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो बना था वो कौन सा है, नायलॉन, और ये कब बना था उसकी अगर हम बात करें तो ये 1931 में बना है। कब बना है बेटा, 1931 में बना है, और इसको हम किससे बनाते हैं, इसको कोल, वाटर और एयर, मतलब कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था। ठीक है, क्लियर है, नायलॉन को कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था, इट इज क्लियर टू एवरीबडी। आगे चलो, यह एक लोचदार, हल्का, भारी और मजबूत फाइबर है जिसमें बहुत चमकदार, अर्ध चमकदार या तो सुस्त होने की विशेषता होती है। जो नायलॉन है वो चमकदार होता है, लोचील मतलब इलास्टिक है, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, तो बेसिकली जब स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इसको रस्सियों में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप इसको सीट बेल्ट में इस्तेमाल करते हो, आप स्लीपिंग बैग, टेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई इलास्टिसिटी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है नायलॉन। ठीक है, क्लियर है, हाँ बिल्कुल, चमकदार है नायलॉन, बिल्कुल ठीक है ललिता, वेरी नाइस, नेहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, इट इज क्लियर टू एवरीबडी। बताने की जरूरत है कि सीट बेल्ट में, टूथ ब्रशेज में, स्लीपिंग बैग्स में, और इसको रोप्स बनाने में मदद किया जाता है। बिल्कुल, थोड़ा बोरिंग तो चैप्टर होता ही है, बट पढ़ना तो पड़ेगा भाई, चैप्टर चैप्टर ही है नायलॉन। ठीक है, क्लियर है, आगे चलो, पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर क्या है, देखिए मैंने बताया जो पॉलिस्टर है वो आगे दो में डिवाइड है, पहले पॉलिस्टर पढ़ लो फिर आगे दो में डिफरेंशिएट भी सिखा देंगे। देखिए पॉलिस्टर क्या है, यह इस फाइबर ने अपने नाम को आमतौर पर ज्ञात शब्दों के संयोजन से व्युत्पन्न किया गया है, मींस जो ये पॉलिस्टर है इसको अगर तोड़े, पॉली प्लस इस्टर, क्या कहा, अगर हम पॉलिस्टर को तोड़े तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पॉली प्लस इस्टर, क्या कहा मैंने, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पॉली प्लस इस्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, बहुलक, और इस्टर मतलब होता है जो केमिकल कंपाउंड से बनता है, तो क्या कहा, केमिकल कंपाउंड से बना जो बहुत सारे पॉलीमर को इकट्ठा करा। ठीक है, क्या कहा मैंने, जब बहुत सारे पॉलीमर्स को इकट्ठा किया और इनको आपने केमिकल कंपाउंड मींस फैक्ट्रीज में सॉरी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड इकट्ठे करके आपने इसको बनाया, तो क्या बना, आपका पॉलिस्टर बन गया। ठीक है, क्लियर, इट इज क्लियर टू एवरीबडी, क्लियर है भाई। आगे देखो, दे आर ऑल्सो इम्प्रेस एंड मोस्ट केमिकल श्रिंकिंग स्ट्रेचिंग, इसमें क्या होता है ये सॉरी ये आसानी से सिकुड़ सकता है, इसको आप खींच सकते हो और इसके अंदर
काफी तरीके के केमिकल्स आप डाल सकते हो, कंपाउंड होता है एक तरह का ये, याद रखेंगे ठीक है। क्या क्या कहा मैंने, ये एक तरह का कंपाउंड होता है, याद रखिए कंपाउंड होता है एक तरीके का, ठीक है क्लियर है। आगे देखो, अब इसको आप यूज कहां कहां कर सकते हो, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग शर्ट्स, ट्राउजर्स, जैकेट्स, कर्टेन्स, बेडशीट्स, साड़ीज, माउस पैड्स जो हम माउस यूज करते हैं उसके पैड में, रोप्स में और बेल्ट में, इस तरीके के मटेरियल्स में आप इसका यूज कर सकते हो। बेसिकली ये शाइनी होता है, बेसिकली ये लॉन्ग इलास्टिक होता है, स्ट्रेचिंग इसमें बहुत होती है, तो आप इनको इन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है भाई, एवरीथिंग क्लियर, नेहा निक कह रही है मैम क्लियर है, ठीक है गुड। चलेंगे आगे, बहुत इजी चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ठीक है। अब जो पॉलिस्टर था वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, और वो दो पार्ट्स है कौन से, तो मैंने आपको बताया था पहला था आपका ठीक है और दूसरा था आपका पीईटी। तो पहले हम टाइलीन की बात करेंगे फिर हम आपकी पीईटी की बात करेंगे, तो आइए बात करते हैं। अभी मैं पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर हिंदी में पढ़ लेते हैं ठीक है। इट इज एन आर्टिफिशियल पॉलिस्टर फाइबर फॉर्मुलेटेड बाय पॉलीमराइजिंग इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिफ्लिक एसिड। कहने का मतलब क्या है, ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, ये संश्लिष्ट पॉलिस्टर है, संश्लिष्ट जो कि आप किस किस से बना है, ये तीन चीजों से मिलकर बना है, पॉलीमराइजिंग इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिफ्लिथिक एसिड, याद रखिए क्वेश्चन में पूछ सकता है ठीक है। आगे देखिए, इट कैन बी इजीली माइन्यूटली ड्रॉन इनटू फाइन क्वालिटी फाइबर्स व्हिच इन टर्न कैन बी फर्दर वोवन लाइक एनी अदर यार्न। जब आप इसको वोवन करते हैं, जब आप इसको बना लेते हैं, ये यार्न में चेंज हो जाता है, मीन्स खींचने से ये यार्न में, तंतुओं से यार्न में बदल सकता है। कहने का मतलब क्या है, इसको भी आप यार्न में इससे भी आप फैब्रिक बना सकते हो ठीक है। आपको नीचे एग्जाम्पल्स फोटोज भी दी है, आप फोटोज में भी देख सकते हो। दिस इज एन इन कंपनी विद कॉटन कॉल्ड टेरिकोट। अगर हम इसको कॉटन के साथ मिलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको बता रही हूं। ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे टेरिकोट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब आप इसको कॉटन से मिलाओगे तो ये जो फाइबर बनाता है वो है टेरिकोट। एग्जाम में पूछा गया तो इसमें भी मैं स्टार लगाऊंगी ठीक है जी। तो आगे देखिए, इट इज यूज टू मेक क्लोथ्स लाइक सारीज, सारी बनती है इससे ठीक है, एंड मेनी अदर आर्टिकल्स लाइक रोप्स, शीट्स एंड सेल। सेल बोर्ड के ऊपर जो कपड़ा नहीं लगाते बोर्ड के ऊपर, ये ट्राइंगल शेप में जो यहाँ पिक्चर में लगा हुआ है वो भी इससे बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है ना वो मैं स्पेशली स्टार लगा देती हूँ ठीक है। तो याद रखिए टायरलीन किसका एग्जाम्पल था, पॉलिस्टर का, और ये जब कॉटन के साथ मिलाओगे तो टेरिकोट बनाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, जिससे कि आपकी साड़ी और बहुत सारे आर्टिकल बनते हैं। क्लियर हो गया टायरलीन, वेरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू आ रहा है भाई, थैंक यू क्यों आ रहा है, पढ़ाने का तो हमारा काम है, बस आप समझते जाइए ठीक है। आ जाइए आगे, पीईटी लेके चलेंगे ठीक है। तो देखिए ये क्या है, दिस इज एन सेमी क्रिस्टलाइन थर्मोप्लास्टिक पॉलिस्टर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिफिलिथिक एसिड विद अ केमिकल नेम पॉलीथिलीन थेराफिलेटेट। कहने का मतलब क्या है, जो ये पीटी है ये क्या है, ये सेमी क्रिस्टलाइन थर्मोप्लास्टिक पॉलिस्टर है, क्या है, अर्ध क्रिस्टलीय थर्मोप्लास्टिक पॉलिस्टर है ठीक है। अब ये है क्या, तो इसके अंदर क्रिस्टल नहीं होते, ये बहुत ही सॉफ्ट चीजें बनाता है, बेसिकली लिक्विड चीज बनाता है ठीक है। तो देखिए क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग लाइट वेट क्लियर एंड हेंस फाइंड यूज इन पैकेजिंग, पैकेजिंग के काम आता है जो आपकी सेलोफिन शीट्स बनती हैं, पैकेजिंग के लिए जो शीट्स बनती हैं उसमें ये काम आता है। जैसे जैसे कि सलाद की ड्रेसिंग करनी हो, सलाद के ऊपर चढ़ाना हो, पीनट के ऊपर चढ़ाना हो, बटर के ऊपर, कुकिंग ऑयल का जो पैकेट है उस पर, माउथ वॉश पे, शैम्पू पे, जो वो बहुत पतला सा चढ़ा होता है ना, सॉफ्ट सा, वो होता है लिक्विड हैंड सोप पे, ऊपर जो कवर चढ़ा होता है विंडो क्लीनर के में, फिल्म्स में, वायर्स में, टेनिस बॉल्स में, ये आपका पीईटी यूज होता है। अच्छा प्लीज स्पीक इन हिंदी, ओके फाइन फाइन फाइन। देखिए यह एक मजबूत, यहां से पढ़ते हैं ठीक है, ये एक मजबूत हल्का स्पष्ट है, इसलिए ये पैकेजिंग खाद्य पदार्थों और
पेय पदार्थों मीन जो पीने की चीज है, जो लिक्विड चीज है एक्चुअली, उसमें यूज होता है, जैसे जैसे कि सलाद की ड्रेसिंग करें, मूंगफली का मक्खन, खाने पकाने का तेल हो, माउथ वॉश हो, शैम्पू हो, तरल हाथ साबुन हो मीन्स लिक्विड साबुन हो, जिससे आजकल आप हाथ धो रहे हो, हैंड वॉश जिसे आप कहते हो, खिड़की के क्लीनर में, फिल्मों में आप इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस पढ़ते जाओ और नोट्स बनाते रहो। ठीक है, क्लियर। मुझे आपके कमेंट्स दिखने बंद हो गए, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? मुझे एक बार लिख दीजिए भाई, क्लियर है? अच्छा, कोई मुझसे फुल फॉर्म पूछ रहा है पीईटी की, है ना, तो ये लिख लीजिए आप, पॉली, ये इसमें ई मिस है, पॉली थिलीन टेरी फाइथलेट। ठीक है, मैंने ये नीचे लिखा भी था, पॉलीथिनीन थैली फलेट। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी दिक्कत हो तो भाई पूछ लेना, बाकी यही है। ठीक है, क्लियर, एवरीबडी इज क्लियर? हाँ जी, सभी क्लियर है अभी? ठीक है, आ जाओ फिर। अब हम पढ़ेंगे लास्ट सिंथेटिक फाइबर की, जो कि आपका आर्कलिक। तो देखिए आर्कलिक क्या है, ये एक सिंथेटिक फाइबर है बेसिकली। ये भी पॉलीमर ही है, इसका इसमें जो पॉलीमर डला है, जो पॉलीमर की क्वालिटी इसमें डली है, वो क्या है, पॉली आर्कलो नाइट्रिलाइड। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी स्टार लगा लो। ठीक है जी, क्लियर। जो इसमें बहुलक, जो इसमें पॉलीमर डाला गया है, उस पॉलीमर का नाम आपको एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो भी आप याद कर लो। ठीक है जी, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखिए इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो वो देख ले, ये हल्का होता है, नरम होता है, गरम होता है, ऊन के समान होता है। आर्कलिक जो है वो ऊन के समान। अब देखिए अगर ये ऊन के समान है तो ऊन की जगह पे इसको आप यूज कर सकते हो। तो आप जानते हो कि जो ऊन है, जो अगर बेसिक अगर वूल ले, अगर गर्म वाली वूल ले तो महंगी होती है। तो आजकल आर्टिफिशियल, जैसे सिल्क हमने रायन को बोला था, वैसे हम इसे आर्टिफिशियल वूल कह सकते हैं। वैसे क्या हम इसे कह सकते हैं, बताइए? ठीक है, आगे देखिए, इट यह कीटो तेलों और रासायनिक पदार्थों के लिए भी अभेद्य है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बिगड़ने के लिए बेहद प्रतिरोधी। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जो मोथ्स है, मोथ्स हम समझते हो, जो कीट होते हैं, जो तेल है, जो और भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये बेसिकली उनके लिए भी बहुत वर्सन है, मतलब वो उनके लिए प्रतिरोधी। अगर आप कहीं पे अगर आर्कलिक डालते हैं तो आपके आपके तेल वगैरह, मोथ्स वगैरह वहां नहीं आते, ठीक है, सनलाइट के एक्सपोजर में आके। क्लियर, आगे देखिए, ऊन के साथ समानता के कारण वे स्वेटर, ट्रैक सूट और जूते, दस्ताने के लिए, लाइनिंग कपड़ों और कालीनों को लेस करने में भी व्यापक उपयोग में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनकी क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी भी कहाँ कहाँ इनके यूजेस है ना, तो यूजेस भी एग्जाम में पूछता, तो यूजेस भी आप कर लेना। ठीक है, आर्कलिक समझ आ गया, चलेंगे आगे। अब हम बात करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, तो आइए बात करते हैं। पहला क्या है, वो टिकाऊ और सस्ती होती हैं। ठीक है, टिकाऊ सस्ती मतलब ड्यूरेबल है और एक्सपेंसिव नहीं होती, चीप होती हैं। आगे देखिए इनकी क्वालिटी, वे किसी भी अन्य फाइबर की तुलना में हल्के, वजन चिकनी और नरम होते हैं। मैंने आपको बताया बहुत सिल्की रायन जो है, बहुत सिल्क, बहुत सॉफ्ट है। आपका जो नायलॉन है वो भी बहुत स्मूथ है और बहुत ही इलास्टिकसिटी बहुत इनकी हाई होती है। आगे देखिए, वह प्राकृतिक फाइबर की तुलना में बनाए रखना आसान है। देखिए जो जो नेचुरल फाइबर्स है उनकी तुलना में ये ज्यादा ड्यूरेबल है, तो इनको ज्यादा टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें आसानी से धोकर सुखाया जा सकता है। जो अगर आप
अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स को आप आसानी से धोकर सुखा सकते हैं और ना ये सुकड़ते और ना इजीली इलास्टिसिटी के साथ ये जल्दी सूख भी जाते हैं एज कंपेयर टू कॉटन। अगर आप पॉलिस्टर की बात करें तो पॉलिस्टर जल्दी सूख जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये झुर्रियां फ्री, इनमें रिंकल्स नहीं आते, ये सुकड़ते नहीं हैं, लचीले होते हैं और इनका उपयोग आप अधिक टाइम तक कर सकते हो। ठीक है, तभी आजकल इनकी मांग ज्यादा है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स, एज कंपेयर टू प्राकृतिक तंतु। ठीक है, इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उनका जो तप है, तप आप समझते हैं, तप उन्हें कई उद्योगों में उपयोग में लाता है। मीन्स इनके जो अंदर है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत हाई और लो है, तो उसकी वजह से, इनके तप की वजह से इनको इंडस्ट्रीज में बेसिकली बहुत आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। सस्ते हैं बिल्कुल बिल्कुल ललिता, सॉरी, ये इनएक्सपेंसिव है, ड्यूरेबल है, इलास्टिसिटी इनकी बहुत हाई होती है, स्मूथ होते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, इनके इनके में रिंकल्स नहीं पड़ते, तभी इनको इंडस्ट्रीज में बेसिकली डेली लाइफ में इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है भाई, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आगे आइए। अब हमने बात की थी सिंथेटिक फाइबर्स की, तो सिंथेटिक फाइबर्स में आप प्लास्टिक भी पढ़ते हो, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स में वो है आपका प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स भी आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, प्लास्टिक के बाद ही ये चैप्टर फिनिश है। ठीक है, तो आ जाइए। यह प्राकृतिक गैस, तेल, कोयले और खनिज पौधों जैसे प्राकृतिक सामग्रियों में उपलब्ध हाइड्रोकार्बन से तैयार एक और बहुलक है। अब देखिए, जो प्लास्टिक है वो तैयार कैसे होता है, तो प्लास्टिक आपका तैयार होता है नेचुरल गैस से, ऑयल से, कोयल से, कोल से, मिनरल से और प्लांट से। ठीक है, तो इन सब के मिश्रण से आपका ये पॉलीमर है, मीन्स इसमें भी आपके बहुत सारे आपके मर्स, मतलब पॉलीमर आप जानते हो ना, तो बहुत सारे आप चीजों को, यूनिट्स को मिला के एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हो, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, उसको हम कहते हैं बहुलक। ठीक है, तो देखिए, जिसमें इकाइयां या तो रैखिक व्यवस्था में होंगी या फिर क्रॉस्ड लिंक्ड व्यवस्था में गठबंधन की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्लास्टिक के एक दो यूज भी देख लो। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल आप जानते हो, आप डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल प्लास्टिक का करते हो, और वो क्या है, आपके खिलौने, सूटकेस, बैग, अलमारियां, ब्रश आपका, कुर्सियां, डिस्पोजेबल कप, टेबल, हेडलाइनर, बोतलें, सीडी, कैसेट बॉक्स, कटलरी, इलेक्ट्रॉनिकल कनेक्टर, सभी चीजों में, सभी मूर्तियों में बेसिकली जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लास्टिक क्या नहीं है, प्लास्टिक के पॉलीमर है। बात समझ आ गई, चलेंगे आगे। अब देखिए, जो प्लास्टिक है वो दो चीजों में वर्गीकृत किया गया, उसको दो चीजों में बांटा गया। जो प्लास्टिक है वो दो टाइप का होता है, पहला टाइप आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा टाइप आपका क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी एक स्टार देंगे। क्या कहा मैंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गौरव पांडे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, टूथब्रश, एवरीथिंग में आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो आपको प्लास्टिक भी पढ़ना जरूरी है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है प्लास्टिक पढ़ना। तो आज ये प्लास्टिक की बात करते हैं। तो प्लास्टिक का पहला टाइप आपने क्या पढ़ा था, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। तो ये क्या है, देखिए क्या है, अब हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। पहले हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या है। देखिए, फाइबर की ये श्रेणी गर्मी के संपर्क में आसानी से खराब हो जाती है और आसानी से मुड़ी भी जा सकती है। देखिए, ऐसे ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से मुड़ सकते हैं उन्हें आप कहते हो थर्मोप्लास्टिक, बट वेरी इजी डिफाइंड, जल्दी गर्म होंगे, जल्दी ठंडे होंगे, मुड़ भी जाएंगे, और एक बार आपने इनको सांचे में डाल के बना दिया तो आप दोबारा भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो, और वो है आपका थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो देखिए, यह प्रक्रियात्मक पिघल जाते हैं, जिसका अर्थ है वे पहले गर्म होंगे, फिर बनते हैं, और फिर अंतिम आकार में ठंडा भी हो जाते हैं। मीन्स इसको, इनको आप जोड़ तोड़ करके बना सकते हो। ठीक है, हाँ, आगे देखिए,
इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, पहला है पॉलिथिलीन, दूसरा है पॉलीप्रोपलीन, और तीसरा है पॉलीस्टरलाइन, और चौथा है पीवीसी। आप जानते हैं पीवीसी के पाइप आपने बहुत सुने होंगे, ये तो बहुत सुने होंगे आपने पीवीसी के पाइप्स। तो ये सब क्या है, ये आपका थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नेहा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेटिंग, थर्मो बिल्कुल ठीक है। चलेंगे आगे। अब देखिए नीचे मैंने बताया भी आपको इनके ये एग्जाम्पल हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए देखना आसान होगा। देखिए जो पॉलिस्टर है वो सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है, उसके बाद आपका आता है पॉलीथीन, पॉलीथीन उसके बाद आता है आपका पीवीसी, उसके बाद आता है आपका पॉलीथीन जो लो डेंसिटी का होगा, फिर आएगा आपका पॉलीप्रोपलीन, और फिर आएगा आपका पॉलीस्टरलीन, और उसके बाद फिर सारे आते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गौरव पांडे बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। तो चलेंगे आगे। अब देखिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। वे खिलौने बिजली के, अब जो आपने थर्मो थर्मो पढ़ा था पीछे, थर्मोप्लास्टिक पीछे हम पढ़ के आए थे, उसके अंदर आपके जो कहाँ कहाँ पे वो इस्तेमाल होंगे, तो वो देखिए खिलौनों में इस्तेमाल होंगे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विच लगे होते हैं ये उनमें इस्तेमाल होते हैं, पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, विंडो के जो मैन्युफैक्चर है, व्हीकल्स में, लाइट के कवर्स में, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पॉली, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा मुस्कान कह रही है मैम हम लोग भी हैं। ओके मुस्कान, आपका कमेंट आएगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, बट मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी आपका कोर्स पूरा करवा दे ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल महसूस ना हो भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, कोर्स पूरा कर लो जल्दी जल्दी। और मैं जैसे ये कोर्स पूरा होगा सारी पीडीएफ मैं वहां डाल दूंगी, डीके की जो ऐप है वहां से डाउनलोड कर लेना भाई, लिमिटेड रेट पे डालूंगी, डोंट वरी। ठीक है, आ जाओ आगे। अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो वो क्या है। अब देखिए पीछे वाले प्लास्टिक क्या थे, जो आसानी से तोड़ मड़ो हो सकते हैं, अब इनका क्या होगा, ये उनके ऑपोजिट होंगे। तो देखिए मोल्डिंग की प्रक्रिया के दौरान एक बार प्लास्टिक की ये श्रेणी वापस नरम हो सकती है, इस कारण से इकाइयां अधिकांश भाग के लिए मजबूत सहनसंयोजक बंधु के साथ तीन आयामी क्रॉसलिंड संरचना का अधिग्रहण करती है, जो हीटिंग के संपर्क में आने पर भी अपनी ताकत और संरचना को संरक्षित रखती है। अगर सरल शब्द में कहूं तो आप इनको हीट करते हो तो ये अपनी संरचना को नहीं बदलते, ये उसके एक्सपोजर में आने के बाद भी स्ट्रेंथफुल रहते हैं, मजबूत रहते हैं। ठीक है जी, आ जाइए आ जाइए आगे। अब देखिए इनके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, तो देखिए सिलोनिक रेजिन्स है, एमिनो रेजिन्स है, पॉलिस्टर रेजिन्स है, सिलिकॉन रेजिन्स है, एपॉक्सी रेजिन्स है, बैकलाइट है, बैकलाइट एग्जाम में पूछता है, मेलेलाइन, बैकलाइट, ये एग्जाम में बेटा पूछता है। फिर आगे आपके लिए कोई चीज जो कि आपके लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बैकलाइट याद रखेंगे और मेलेलाइन याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछता है। ये किसके एग्जाम्पल है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। बात क्लियर है भाई? प्रशांत कह रहे हैं क्लास का टाइम क्या होगा, तो क्लास का टाइम बेटा रोज का 2-2 बजे का ही होता है, डोंट वरी। ठीक है, तो जल्दी से 8th क्लास पूरी करते हैं, फास्ट फास्ट पूरी करते हैं। किसी को कोई भी डाउट आता है ना तो कमेंट्स कर देना, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, आप जानते हो। ठीक है, बट अभी फास्ट फास्ट पढ़ाने दो, कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ आकाश ठीक बोल रहे हो, वेरी नाइस। आ जाओ आगे। गर्मी और बिजली के खराब संवाहक के कारण जो बैकलाइट है, बैकलाइट क्या है, बैकलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मींस इसमें जल्दी से, इसमें आग और इसको आग से और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उसका पुअर कंडक्टर है। ठीक है, संवाहक खराब है मीन्स पुअर कंडक्टर है। बिजली के स्विचों में इसका उपयोग करते हैं, कई बर्तनों को संभालने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, और नीचे मैंने फिगर भी दी है, आप देख सकते हैं जो स्विच होते हैं उनको टाइट करने के लिए, उनको उनकी इलास्टिसिटी चेक करने के लिए भी आप इन हैंडल्स का इस्तेमाल करते हो, और आप देख सकते हो ये पीछे आग लगी है तो ये जो मेलामाइन है ये आपके फायर प्रूफ सूट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबडी।
चलेंगे आगे फिर, आ जाओ जी। अब जो प्लास्टिक है, अब आपको मैंने बता दिया प्लास्टिक के दो आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दिए, पहला क्या था थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक के कुछ यूज जो नॉर्मल यूज है वो देख लेते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, सिंपल सी बात थी। जो प्लास्टिक है आप जानते हैं, आप उनको पैकेजिंग में इस्तेमाल करते हैं, उनके थ्रेड भी बनते हैं जो स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्लव्स बनते हैं, मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जैसे आप जानते हो ग्लव्स वगैरह जो आजकल हमें कोविड में जरूर पहनने हैं जब हम बाहर जा रहे हैं। इनके अंदर जल्दी से आग और इनको इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली के रेजिस्ट होते हैं, इनको उसे फर्क नहीं पड़ता बेसिकली प्लास्टिक को। जो टेफलॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई दोबारा बेटा, जो टेफलॉन है वो प्लास्टिक की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। मीन्स टेफलॉन क्या है और टेफलॉन है क्या, तो टेफलॉन क्या है, नो वाटर और ऑयल स्टिक्स टू दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक, हेंस यूज्ड इन मेकिंग कुकवेयर। आप जानते हो, आप बोलते नहीं हो आजकल वो ऑयल फ्री तवा आ रहा है, एक ऑयल फ्री कढ़ाई आ रही है, उसमें सब में टेफलॉन लगा होता है, क्योंकि ना इसमें ऑयल चिपकेगा और ना इसमें पानी स्टोर कर सकता है, वो जल्दी से सूख जाता है। तो टेफलॉन प्लास्टिक की आज यूनिक क्वालिटी आ रही है जो कि आप प्लास्टिक में आजकल देख रहे हो, बेसिकली कुकवेयर बेसिकली कुकिंग के जो आपके बर्तन है उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो टेफलॉन याद रखिए, बोलते नहीं नॉन स्टिक नॉन स्टिक, वो कुछ नहीं, वो टेफलॉन है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल और कुछ नहीं जो डिग्रेड होके आप उनको एज अ खाद इस्तेमाल कर सकते हो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपके प्लास्टिक्स वगैरह जो आपके धरती पर पड़े रहते हैं वो ना खत्म होते, वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मेटीरियल्स है क्या। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल है जो ऑर्गेनिक है, जो कार्बनिक है, और जो सूक्ष्म जीवों, जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था डिकम्पोजिशन वाला, सॉयल वाला, तो जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है, उसे हम बोलते हैं बेटा बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आप जानते हैं आपके जो रसोई घर होता है, रसोई घर में जो वेस्ट है, जो कचरा है रसोई घर का, जो आपके मृत पौधे हैं, जो जानवरों मानवों का शरीर है, वो सब क्या होता है, वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है। बिल्कुल भाई, लड़कियां क्यों जानती होंगी, क्यों बायस्ड होते हो तुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मौसमी भारती बिल्कुल ठीक कह रहे हो, प्लास्टिक जो है वो नॉट डिकम्पोज, बिल्कुल वो बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है, ठीक है जी। चले आगे आ जाओ, इफ अ प्लास्टिक इज एक्सपोज टू लॉन्ग टर्म हीट इट मे गेट चियर्ड। इसमें कहा गया अगर प्लास्टिक को ज्यादा गर्मी में रखेंगे तो वो चेयर्ड हो जाता है, तब भी वो जाके थोड़ा पिघलता है प्लास्टिक। बेसिकली जो पॉलिथीन शीट्स होती थी, जो हमारे पॉली बैग्स होते थे, उसको क्यों बैन किया गया, क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि वो वातावरण के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की, कि गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा है क्या। तो देखिए, जबकि जो सामग्री अकार्बनिक मीन्स इनऑर्गेनिक नहीं होती, इसलिए वो विघटित, इसलिए वो डिकम्पोज भी नहीं होती, वो पड़ी रहती है बाहर ना वो, और अगर हम उसको जलाते हैं तो वो पॉल्यूशन, वो प्रदूषण क्रिएट करती है, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, मेटल हो गए, ग्लास हो गए। तो बेसिकली इनका इस्तेमाल कम करने की कोशिश करें, पर ये हमें सस्ते मिलते हैं तो हम इनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है जी, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर टू। अब जो हमने अभी पढ़ा था, ये चार चीजें भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, रिड्यूस, आप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि चार आर क्या है जो एग्जाम जो एनवायरमेंट के लिए आपके लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चार आर हैं वो क्या है। तो चार आर जो एनवायरमेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं वो क्या है, रिड्यूस, फिर है आपका रीयूज, फिर है आपका रिसाइकिल, और लास्ट में आपका रिकवर। क्या कहा मैंने, कम करें, पुण्य उपयोग करें, रिसाइकिल करें और उसको पुण्य प्राप्त करें, ये चार आर हैं जो आपके एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, इसको इंपॉर्टेंट दिखा रही हूं, आगे देखो,
कुछ ऐसे तरीके हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को कम इस्तेमाल करने के लिए है। जैसे कि पहला तरीका क्या है, जब आप जल जल मतलब वाटर बॉडीज में बेसिकली आपको जो पानी का पानी है आपके अराउंड, लाइक कोई रिवर है, कोई समुद्र है, या फिर कोई आपके नाला है, नहर है, उनके पास जाके पॉलिथिन बैग ना फेंके। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप प्लास्टिक के लंच बॉक्स का इस्तेमाल लिमिट में करें, जूट बैग और कॉटन बैग का इस्तेमाल शॉपिंग में जाएं और वहीं वो इस्तेमाल करें, और प्लास्टिक के लिए अलग से आपको डस्टबिन दिए जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि प्लास्टिक से नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल के लिए कौन कौन से डस्टबिन के कलर सुझाए गए हैं। ठीक है जी, आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल मौसमी फिर आपका ठीक है आंसर। हाँ, मोनी शर्मा कह रही है मैम नॉन स्टिक बहुत इस्तेमाल करती हैं भाई, नॉन स्टिक। ठीक है जी, क्लियर है। अब आए क्वेश्चंस पे, आ जाए जी क्वेश्चंस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वंदना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन पे गौर फरमाए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, जल्दी से बता दे आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, नायलॉन है, रायॉन है, आर्कलिक है, या फिर पॉलिस्टर है। जल्दी से मुझे आंसर दे, जल्दी से, जितने बच्चे चैट में हैं सभी मुझे बताएं कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटैट में हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो चाहे वो सेकंड लेवल हो, जल्दी से मुझे बता दें। बिल्कुल सभी का आंसर, सभी का रिप्लाई आना चाहिए कि आपका आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, आपकी कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएं मुझे। हाँ जल्दी से बताएं, बिल्कुल ठीक है भाई। बेसिकली सभी लोग कह रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सभी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रायन को कहा गया है, रायन पे ताला लगाए, रायन को ही ठीक करें, वेरी गुड। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू में, विच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल, बताइए। बहुत सिंपल है, कौन से फाइबर को आप आर्टिफिशियल वूल के नाम पे इस्तेमाल करते हो। हाँ जी बताइए, किस फाइबर को आप आर्टिफिशियल वूल के नाम पे इस्तेमाल करते हो, बताएं। आर्कलिक, रायन, नायलॉन, या फिर कॉटन, जल्दी से बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। आपने क्वेश्चन के आगे लिखिएगा जरूर कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जल्दी से बताएं। बेसिकली सभी बच्चों ने दिया है ऑप्शन नंबर एक, इक्का दुक्का को छोड़ के सभी कह रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर ए होगा। जब सभी ने कह दिया कि ऑप्शन नंबर ए होगा तो मैम होती कौन है गलत करने वाली, बिल्कुल आर्टिफिशियल वूल कहते हैं आर्कलिक को, वेरी नाइस। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, सभी ने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दिया है, वेरी गुड सभी, वेरी नाइस। अच्छा बताइए, द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज, सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है, बताया था आपको मैंने ये भी, नायलॉन, रायन, पॉलिस्टर, या फिर आर्कलिक, जल्दी बताएं। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो, आया हुआ एग्जाम में ये भी, जल्दी बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा होगा, नायलॉन, रायन, पॉलिस्टर, या फिर आर्कलिक, जल्दी से आंसर दे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिकली सभी आंसर दे रहे हैं और सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉलिस्टर, वेरी गुड, सॉरी दैट इज नायलॉन, गुड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ तो सभी का स्कोर फुल आने वाला है, इक्का दुक्का को छोड़ के सभी लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, वेरी गुड। साहिल जोरवाल कह रहे हैं मैम नो 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 ऑप्शन नंबर सी पॉलिस्टर आएगा, भाई साहिल एक बार वीडियो जरूर देखें, नायलॉन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वुड पल्प इज यूज्ड टू मेक, वुड पल्प
क्या बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? वुड पल्प की बात कर रहे हैं, ठीक है जी? तो बताइए, वुड पल्प से कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर बनता है? पहला है आपका प्लास्टिक, दूसरा आपका वूल, तीसरा आपका जूट और चौथा आपका रायलॉन। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दीजिए। वुड पल्प से कौन सा आर्टिफिशियल सिल्क बनता है? वेरी गुड, सभी ने आंसर दे दिया बेसिकली। अच्छा, अभी पीछे का आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे, फोर्थ का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर, अच्छा मुस्कान कह रही है मैम आप है तो मुमकिन है। अच्छा चलो बिल्कुल ठीक है भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, रायन ठीक है, गुड। चलेंगे आगे, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर? इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताएं विदाउट एनी स्टॉपेज, जल्दी से बताएं। वूल है, नायलॉन है, पीवीसी है या फिर पॉलिथीन है? इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने आंसर दे दिया भाई, नेचुरल फाइबर पूछा है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका आंसर, वूल है इसका आंसर, ठीक है। हाँ जी, जो भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं फाइव का, वो लोग सभी ठीक है, इसका आंसर क्या है? वूल। जल्दी से बताइए अपना स्कोर, स्कोर लॉक कीजिए, किस किस ने कितना कितना स्कोर किया है। किस किस ने कितना कितना स्कोर किया है, जल्दी से अपने स्कोर लॉक कीजिए। ओके, ललिता कह रही है मैम फाइव, मीनू कह रही है फाइव, नेहा कह रही है, गौरव पांडे, शाहिद अली कह रहे हैं फोर। ओके, शाहिद शाहिद अली कह रहे हैं फाइव। ओके, बेसिकली एक का दुक्का ही गलत हुआ है, बाकी सभी का सभी सारे ही ठीक हैं। वेरी ना, वेरी गुड। चलिए फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं, उम्मीद करूंगी कि अच्छा आप करेंगे, एंड जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, तब तक वीडियो को रिवाइज जरूर करिएगा। ओके।